सबसे पहले मैं अपनी अर्निंग बताने वाला हूँ, देख लीजिएगा। टुडे मैंने $841 अर्न किया हुआ है। कैसे किया, कौन सी वेबसाइट है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो आज मैंने $841, कल मैंने $1016 और टुडे मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, पेज व्यूज, टुडे ऑफर और स्टेप बाय स्टेप मैं अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक भी बताने वाला हूँ। ये एनालिटिक्स अकाउंट है मेरा, मेरी वेबसाइट का नाम loadingtips.com है। मैं सब कुछ बताने वाला हूँ आपको। पहले एनालिटिक्स अकाउंट आप देख लीजिएगा, कहाँ कहाँ से मुझे ट्रैफिक आता है ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। आप देख सकते हो 172 का ट्रैफिक मेरी वेबसाइट में आ रहा है, ठीक है। इंडिया से लगभग ज़्यादा आ रहे हैं, 79, बाकी पाकिस्तान से 20, ठीक है। अभी मैं आपको अपनी वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ कि मेरी वेबसाइट किस नीच पे है, कौन सी वेबसाइट है, कैसे मैं लोड करता हूँ, क्या है, कहाँ से ट्रैफिक आता है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे ही आप मेरी वेबसाइट को गूगल में सर्च करोगे, loadingtips.com, ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे मेरी वेबसाइट आएगी। और ये वेबसाइट मैं SEO के पर्पस बनाया था, मेक मनी ऑनलाइन, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब कुछ मैं इसमें पोस्ट डालते रहता हूँ। आप देख सकते हो कि इसमें अभी कोई ऐड नहीं आ रही है, इसका क्या रीज़न है मैं रीज़न बाद में बताऊँगा आपको। पहले मैं अपनी वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ। इसमें मैं मेक मनी ऑनलाइन, SEO टिप्स, ये सब कुछ मैं इसमें डालते रहता हूँ पोस्ट, और एकदम सिंपल सी वेबसाइट है आप देख सकते हो, ठीक है। और ज़्यादा पुरानी नहीं है, लगभग ये 8 या 10 महीने पुरानी वेबसाइट है, और लगभग 2-3 महीने ही पहले मुझे एडसेंस का अप्रूवल मिला था, और इस वजह से मैंने एडसेंस का ऐड इसमें अप्रूवल ले लिया। और इसमें भर भर के इंडिया से ट्रैफिक आपको मैंने बता दिया है, इंडिया से 179 का पर मतलब करंट मैंने बताया था आपको। और इसमें ब्लॉगिंग टिप्स, डिजिटल मार्केटिंग, मेक मनी ऑनलाइन, SEO कंपनीज, SEO टिप्स, ये सब कुछ मैं इसमें डालते रहता हूँ, ठीक है। तो आपको भी यदि अच्छा लगता हो तो ज़रूर आइए मेरी वेबसाइट को देखिए एक बार, कैसे मैं इसमें भर भर के आपके सामने पर डे का कितना अर्न करता हूँ, ठीक है। तो ये वेबसाइट एकदम सिंपल सी मैंने वेबसाइट बनाया था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टिप्स के बारे में। और मेरा मेन मकसद ये था कि मैं इसको आउट ऑफ इंडिया रैंक कराऊं, लेकिन ये इंडिया से ज़्यादातर ट्रैफिक आने लग गया है, ठीक है। अभी रही बात ये कि अभी मेरी वेबसाइट में ट्रैफिक ये कोई ऐड नहीं आ रही, इसका क्या रीज़न है, तो रीज़न मैं जस्ट बताने ही वाला हूँ। अभी मैंने इसमें से गूगल एडसेंस का ऐड कोड हटा दिया है, और किस वजह से हटाया, क्योंकि मुझे एकदम से इतनी ट्रैफिक हो रही है, इतनी ट्रैफिक आ रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई बोट ट्रैफिक तो नहीं है, क्योंकि लगभग 15 डेज से मैं देख रहा हूँ काफ़ी ट्रैफिक मेरी वेबसाइट में आ रही है। और मुझे गूगल एडसेंस डिसेबल ना हो जाए, इस वजह से मैं अपनी वेबसाइट से गूगल एडसेंस का कोड हटा दिया है। और अभी मैं कुछ दिनों के लिए इसको ऐसे ही रखूँगा, क्योंकि अर्निंग मेरी एक बार तो मैंने ले लिया है $841 की, और सेकंड टाइम भी हो चुका है, लेकिन मुझे डर सा ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि मेरी मतलब गूगल एडसेंस का अप्रूवल डिसेबल हो जाए, तो इस वजह से मैं डर रहा हूँ, ठीक है। तो हो सकता है ऐसा कभी कभी होता है कि कभी कभी बोट ट्रैफिक आ जाती है आपकी वेबसाइट में, तो ऐसा करना पड़ता है कि आपको कुछ दिनों के लिए अपनी वेबसाइट से ऐड कोड हटा देना पड़ता है, ठीक है। ये एक सिंपल सी वेबसाइट है, ठीक है, मैंने इसमें ज़्यादा डिज़ाइन भी नहीं बनाया है, और जस्ट मैं इसमें होम पेज में लॉगिन करके बता देता हूँ, एक मिनट रहने देते, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको पासवर्ड पता चल जाए, ठीक है। तो ये वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है, एकदम जनरेट प्रेस की जो थीम से फ्री वाली, मैंने ये यूज़ किया हुआ है, आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा मेरी वेबसाइट में, ठीक है। और दूसरी एक वेबसाइट मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, healthalltips.com, इससे भी काफ़ी अच्छी अर्निंग मैं हमेशा लेते रहता हूँ, आपको मैंने इसका प्रूफ भी बताया था, healthalltips.com, और इसमें मैंने गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेकर रखा हुआ है, और काफ़ी अच्छी अर्निंग होती है।
और इसमें ऐसा कोई डिसेबल का मुझे लग नहीं रहा है, इसलिए मैंने इसमें एड कोड लगा के रखा हुआ है। ठीक है, तो इससे भी काफ़ी अच्छी अर्निंग होती है। यदि आप चाहते हो कि हेल्थ की वेबसाइट की अर्निंग बताइए, तो मैं ये भी ऑलरेडी मैंने बना चुका हूँ ये वीडियो कि हेल्थ की वेबसाइट से मुझे कितनी अर्निंग होती है। ठीक है, तो भी आप यदि कमेंट के ज़रिए पूछो तो मैं ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, और एक दूसरी मेरी एक वेबसाइट है indnaukri.com, मैं इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये तीनों वेबसाइट मेरी फेमस है और काफ़ी अच्छी अर्निंग मुझे मिलती रहती है। देख सकते हो, यह जॉब्स के रिलेटेड वेबसाइट है और इससे भी मुझे इंडिया से काफ़ी अच्छी ट्रैफिक और अर्निंग भी होती है। इसमें भी देख सकते हो गूगल एडसेंस की एड आ रही है। ठीक है, तो ये healthalltips.com हेल्थ की वेबसाइट है, जॉब्स की वेबसाइट है और एक मूवी की वेबसाइट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, मूवी hdflix.com। और इसमें भी मुझे काफ़ी अच्छी अर्निंग होती है। इसमें पॉपुलर एड भी मैंने कनेक्ट करके रखा हुआ है। ये जो एड आ रही है पॉपुलर एड की एड है, पॉप एड जो बोलते हैं लोग, और इसमें भी काफ़ी अच्छी अर्निंग मुझे होती है। ठीक है, तो ये मूवी की वेबसाइट है, ये जॉब्स की वेबसाइट है और ये SEO रिलेटेड मैंने वेबसाइट बनाया है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो टिप्स होता है इस बारे में मैंने रखा है। और इसमें मैंने एड कोड हटा दिया है, इस वजह से मुझे अभी आपको मेरी वेबसाइट में एड नहीं दिखाई देगी। तो इसका आप कमेंट मत कीजिएगा कि क्यों आपकी वेबसाइट में एड नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, क्योंकि मुझे ज़्यादातर ये पता है कि लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि आपने अपनी अर्निंग तो बता दी है लेकिन आपकी वेबसाइट में एड नहीं आ रही। तो मैंने बता दिया आपको कि किस वजह से मैंने एड कोड हटा दिया है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा अर्निंग हो रही है। एक दिन का $800 काफ़ी होते हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी वजह से मेरा कोड, मेरा वेबसाइट मतलब एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो। इसमें ज़्यादा पोस्ट भी मैंने नहीं रखा है, गिनी चुनी पोस्ट है। व्हाट आर डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल एंड देयर सैलरीज, व्हाट डिजिटल ट्रेडिंग एडवांस, लर्न अबाउट ऑनलाइन मार्केटिंग, 11 बेस्ट साइट टू लर्न ऑनलाइन फॉर फ्री, टेस्टेड फॉर गूगल एंड ट्विटर, फेसबुक पिंटरेस्ट ट्रेनिंग, व्हाट इज़ द प्लेस कोड फॉर वेब पेज। ये सब कुछ मैं एकदम सिंपल तरीके से बनाया हुआ है और काफ़ी अच्छी अर्निंग मुझे इससे होती है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मैं लाने वाला हूँ कि कैसे आपको डोमेन परचेस करना चाहिए और कैसे आपको आर्टिकल लिखना चाहिए। मैं नेक्स्ट वीक से या फिर इस वीक के लगभग फ्राइडे से स्टार्ट करने वाला हूँ कि कैसे आपको डोमेन परचेस करना चाहिए, कैसे उसको होस्टिंग के साथ कनेक्ट करना है, प्लस आपको कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ज़्यादातर लोग मुझे कमेंट के ज़रिए पूछ रहे हैं कि आप बेसिक से बताइए कि कैसे वेबसाइट बनाना चाहिए, कैसे होम पेज बनाना चाहिए, कैसे डिज़ाइनिंग करना चाहिए। ये सब कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप आपको नेक्स्ट वीक से या फिर इस वीक के एंड से मैं बताने वाला हूँ। एक डोमेन परचेस करके उसको मैं कैसे होस्टिंग के साथ कनेक्ट करता हूँ, प्लस कैसे मैं अपना वर्डप्रेस एक्सेस करता हूँ, कैसे फर्स्ट पोस्ट लिखूँगा, कैसे होम पेज डिज़ाइन करूँगा, कैसे पेजेस में बनाऊँगा, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस पेज में कैसे डिज़ाइन बनाऊँगा, ये सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी वेबसाइट थी जिसके बारे में बताना चाहिए आपको कि आप भी मोटिवेट हो सको कि ब्लॉगिंग से भी काफ़ी अच्छी अर्निंग होती है। यूट्यूब से तो होती है, मैंने कल ही एक वेब मतलब एक वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हो कि माई यूट्यूब अर्निंग जस्ट स्टार्ट हुई है अभी। इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो यूट्यूब से भी अर्निंग होती है, लेकिन यूट्यूब में ऐसा है कि आपको रैंक करवाना पड़ेगा, और वेबसाइट में ऐसा है कि यदि आपकी वेबसाइट रैंक हो गई है तो आपको कोई प्रॉब्लम, कोई आर्टिकल डालने की ज़रूरत नहीं है, उसी आर्टिकल में से आप भर भर के ट्रैफिक ले सकते हो। ठीक है, तो ये indnaukri.com में जॉब्स के रिलेटेड आर्टिकल डालता हूँ, हेल्थ की वेबसाइट है जिसमें हेल्थ के रिलेटेड मैं आर्टिकल डालते रहता हूँ। ठीक है, और इसमें मैंने मिक्सअप भी किया हुआ है, कुछ ब्लॉगिंग के रिलेटेड आर्टिकल भी इस हेल्थ की वेबसाइट में मैं डालते रहता हूँ।
ठीक है। और मूवी की वेबसाइट से मैंने अर्निंग आपको बता दिया है ऑलरेडी, इसमें सब मूवी की पोस्ट ही आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो आपको, तो मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर पूछिएगा। मेरा मेल आईडी भी आप नोट कर सकते हो, परेश मिश्रा TG@gmail.com है, ठीक है। और मेरी चारों वेबसाइट का, ये पांचों वेबसाइट की लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर विज़िट कीजिए। और बस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।